आज हम पढ़ने वाले हैं शर्ट्स के बारे में। शर्ट्स वैसे तो कोई नया टॉपिक नहीं है, हमने फर्स्ट चैप्टर जो किया था रियल नंबर का उसी का एक टॉपिक है ये भी, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, डिटेल में जानते हैं क्या है। शर्ट इज एन इरेशनल रूट। देखिए ये भी एक इरेशनल रूट ही होता है। इसमें हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, हम कोई एक नंबर इस तरीके से लेते हैं, ए का nth रूट, ए का 1/nth रूट हम जब लेते हैं तो उसको हम ए के ऊपर nth रूट के रूप में इस तरीके से दिखाते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ये साइन है, इसको हम इस सिंबल को हम बोलते हैं रेडिकल साइन। और जो n हमने लिया है, n इज द ऑर्डर ऑफ शर्ट और a होता है हमारा रेडिकेंड। अब यहाँ पे n को आप ऑर्डर भी बोल सकते हैं और इसको कई इंडेक्सेस भी लिखा होता है, इंडेक्स भी लिखा होता है, इंडेक्स। ओके, अब इस चीज को समझते हैं क्या है। देखिए a हमारा कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर है जिसका हमने nth रूट लिया है, और nth रूट लेने पर हमने मान लिया है उसकी वैल्यू क्या आई है, x आई है। और ये वैल्यू जो आई है x वैल्यू, अगर ये वैल्यू इरेशनल नंबर होता है तो हमारा x जो है, x इज कॉल्ड ए शर्ट, इसको हम एक शर्ट कहेंगे। एक रैशनल नंबर का nth रूट लेने पर अगर उसका वैल्यू x इरेशनल नंबर आता है तो वैल्यू उस नंबर के नंबर को क्या बना देगी, एक शर्ट बना देगी। इसलिए हमने शर्ट को कहा एन इरेशनल रूट। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं कि आपको मैंने यहाँ बताया कि जो nth रूट होगा शर्ट का वही उसका ऑर्डर भी होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया 7 के ऊपर क्यूबिक रूट, क्यूबिक रूट है इसलिए इसको क्यूबिक शर्ट भी बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर शर्ट भी बोलेंगे, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए जैसे 10 के ऊपर क्या दिया है, फोर्थ रूट दिया है इसलिए इसको हम बाइक्वाड्रेटिक शर्ट या फोर्थ ऑर्डर शर्ट भी कह सकते हैं, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 39 के ऊपर हमें क्या दिया है, स्केयर रूट दिया है, इसको स्केयर रूट को आप 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और विदाउट 2 भी अगर आप लिखेंगे तो उसका मतलब भी क्या है, स्केयर रूट ही है। यहाँ पे क्योंकि हमने स्केयर रूट लिया है 2 है तो इसको क्वाड्रेटिक ऑर्डर भी कह सकते हैं, और सेकंड ऑर्डर शर्ट भी कहा जा सकता है इसको, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर फिफ्थ रूट लिया है आपने तो फिफ्थ ऑर्डर शर्ट हो जाएगा, अगर आपने nth रूट लिया है तो nth रूट ऑर्डर हो जाएगा। आपका जो इंडिसेस है उसका अगर रूट n है तो जो आपका शर्ट है उसका ऑर्डर n हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको कुछ शर्ट्स दिए होते हैं, कुछ रियल नंबर दिए होते हैं, उनमें से आपको पहचानना है कि ये शर्ट है या नहीं है। तो देखिए जैसे हमें दिया है 3 क्यूबिक रूट है ये 3, जैसे इसके ऊपर हमें लिखा गया है ये क्यूबिक रूट ऑफ 51, क्यूबिक रूट ऑफ 51 हमें बताना है ये एक शर्ट है या नहीं है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए आप जो आपको क्यूबिक रूट दिया गया है उसको एक्स मान लीजिए। और इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ हम मैंने बताया है आपको कि nth रूट लेते हैं तो उसका मतलब होता है एक जो भी आपका नंबर है उसकी पावर 1/n है, वही पावर जो भी रूट आपको गिवन है। तो इसका हमें क्यूबिक रूट दिया है तो इसका मतलब 51 की पावर जो है हमारी वो 1/3 है, और हमने इसको x के बराबर माना है तो इसको x के इक्वल हमने रख लिया। अब हम इस पावर को यहाँ से कैंसिल आउट करने के लिए जितना इसका आपको nth रूट दिया होता है, जैसे यह क्यूबिक रूट है, उतने ही नंबर से आप इसको पावर का मल्टीप्लाई दे देते हैं। तो हम जैसे यहाँ क्यूबिक रूट है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई देंगे, 3 का पावर से मल्टीप्लाई देंगे, तो 51 का पावर 1/3 था, उसका भी पावर हमने क्या बना दिया, 3। तो ये दोनों साइड करेंगे प्रोसेस तो x का भी पावर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और जब x का पावर 3 हमारा यहाँ पे बन रहा है तो देखिए यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो 51 की पावर 1 यानी 51 बचेगा और ये x क्यूब हो जाएगा। अब हमें 51 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि ये किसी नंबर का क्यूब हो जाए, 51 किसी नंबर का क्यूब हो जाए। जैसे 8 किसका क्यूब है, 8 2 का क्यूब है। इसी तरीके से कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि जिसका क्यूब हमारा 51 बन जाए, नहीं ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। हम देख सकते हैं 51 के पास दो ही फैक्टर हैं, 17 3 जा 51। ओके, तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका क्यूब आपका 51 बन जाए। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जैसे 2 का क्यूब क्या था, 8 था। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका क्यूब क्या हो जाए, 51 हो जाए। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि ये आपका एक शर्ट है। एक एग्जांपल और देखते हैं इसी का। जैसे हमने यहाँ पे लिया फोर्थ रूट ऑफ 16,
फोर्थ रूट ऑफ 16 लिया है तो यहाँ पे इसका मतलब 16 की पावर 1/4 उसको हमने x के इक्वल ऐड कर लिया। इस 4 पावर को कैंसिल करने के लिए हम दोनों साइड इस नंबर इन नंबर्स को किसकी पावर से मल्टीप्लाई देंगे, 4 की पावर से मल्टीप्लाई देंगे। तो 16 की पावर 1/4 और उसकी भी पावर हमने कर दी 4 और इधर भी x की पावर क्या हो जाएगी 4। तो इस 4 पावर से 4 पावर कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे हमारा 16 को पावर 1 यानी 16 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो 16 में हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है कि किसी नंबर का क्या हो जाए, फोर्थ पावर बन जाए। तो इसको फाइंड करने के लिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 16 जो है वो 2 की पावर 4 के रूप में लिखा जा सकता है। मैंने 16 की जगह ले लिया 2 की पावर 4 और दोनों तरफ पावर क्या हो गई, कैंसिल हो गई, एक्स का वैल्यू आ गया 2। एक्स का वैल्यू 2 आने पर हम देख सकते हैं 2 एक रैशनल नंबर है। इस पूरे टर्म को हमने जब सॉल्व किया तो हमें एक रैशनल नंबर मिला। रैशनल नंबर मिलने पर हम कह सकते हैं कि जो हमें गिवन रियल नंबर था या जो हमें सर्ड के फॉर्म में दिया गया था वो एक सर्ड नहीं है। ओके, उसके बाद और चेक करना है तो आप 256 के लिए चेक कर सकते हैं। 256 में भी आप इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको लास्ट में चेक कर सकते हैं, पावर वगैरह कैंसिल करके आपका एक लास्ट में आपको 16 मिलेगा। 16 एक रैशनल नंबर है इसलिए रूट 256 इज ऑल्सो नॉट ए सर्ड। इसी तरीके से आप रूट 22.7 को चेक करेंगे तो इसका मतलब रूट हटाकर इसके रूट हटाकर के आप लगाएंगे 1/2 पावर और ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता हम जिसको स्क्वायर के रूप में लिखें तो 22 आ जाए, या ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें तो क्या आ जाए 7 आ जाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जिसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखने पर हमें 22 मिल जाए या स्क्वायर के फॉर्म में लिखने पर हमें 7 मिल जाए। इसलिए रूट 22.7 हमारा एक सर्ड है। ओके, अब बात करते हैं टाइप ऑफ सर्ड्स की। सर्ड्स कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले अगर बेसिकली हम बात करें, अगर सिंपलेस्ट टर्म आपके पास जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5 जिनको और ज़्यादा सिंपल नहीं किया जा सकता तो आपके सिंपलेस्ट सर्ड या प्योर सर्ड कहलाते हैं, जो पूरी तरह से आपके इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, सेकेंड नंबर पे आते हैं लाइक सर्ड और सिमिलर सर्ड। लाइक सर्ड या सिमिलर सर्ड में क्या होता है, आपका ऑर्डर जो होता है यानी एन की जो वैल्यू होती है और रेडिकेंट यानी ए की जो वैल्यू होती है, जैसे हमने यहाँ पे एक सर्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था एन रूट ऑफ ए, तो यहाँ पे एन ऑर्डर था, ए रेडिकेंट था, तो एन की वैल्यू और ए की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अगर किन्हीं दो सर्ड्स में ये दोनों चीज़ें आपको सिमिलर हैं तो वो लाइक सर्ड्स या सिमिलर सर्ड्स होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 3 में रूट, अब देखिए ये ध्यान से देखिए, एक होता है हम nth के, जैसे मैं अगर 2 के ऊपर छोटा सा 3 लिखूँ तो इसका मतलब है 2 की पावर 1/3, और अगर मैं लिखूँ 3 में रूट 2 इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई में है और 2 का पावर 1/2 है, हमने स्क्वायर रूट लिया है इसका। ओके, तो इन दोनों चीज़ों में बेसिक डिफरेंस होता है। यहाँ पे ये 3 में है, आप इसको क्यूब रूट ना समझिए, जो ये है 3 में है और ये 2 का स्क्वायर रूट दिया गया आपको, इस तरीके से 10 में है और 2 का स्क्वायर रूट दिया गया है आपको। ठीक है, तो इस चीज़ में बेसिक डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। ये nth रूट के लिए लगाया जाता है, रूट के ऊपर जो छोटा सा नंबर लिखा जाता है, और अगर मल्टीप्लाई में कोई नंबर पड़ा है बिल्कुल इक्वल तरीके से लिखा हुआ, जैसे कि हम कहें बिल्कुल लेवल पे लिखा हुआ है ऐसे, तो ये मल्टीपल में नंबर होता है। अगर हम इस तरीके से इसके ऊपर छोटा सा नंबर लिखते हैं तो ये nth रूट या क्यूबिक रूट या स्क्वायर रूट इस तरीके से भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है 3 √2 और ये है 10 √2। यहाँ आप देख सकते हैं 2 का पावर 1/2 और यहाँ भी 2 का पावर 1/2 है, यानी आपका n भी 2 है और a भी 2 है, इसलिए आपके क्या हो जाएंगे लाइक सर्ड्स या सिमिलर सर्ड्स हो जाएंगे। मिक्स सर्ड्स में क्या रहता है, मिक्स सर्ड्स में आपको कोई एक नंबर जो होता है वो दो नंबर की प्रोडक्ट होता है जिनमें से एक नंबर रैशनल रहता है और एक नंबर इरेशनल रहता है। कंपाउंड सर्ड में आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में दो सर्ड्स गिवन होते हैं, और बायनोमियल सर्ड्स में आपको क्या दिया होता है कि जो आपके दो सर्ड्स होते हैं उनमें से एक रैशनल हो सकता है, एक इरेशनल हो सकता है, और मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी हो सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में भी। कंपाउंड और बायनोमियल में ये डिफरेंस है कि यहाँ दोनों ही जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म होंगे दोनों ही आपके इरेशनल नंबर होंगे, और बायनोमियल में आपका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में होगा या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड के फॉर्म में जो दिए होंगे वो आपके एक रैशनल और एक इरेशनल हो सकता है। ओके, उसके बाद हम करते हैं देखिए एग्जाम्पल क्लासीफाई करने के लिए लाइक सर्ड्स और अनलाइक सर्ड्स के। जैसे हमें रूट 52 दिया है और दिया 5 √13, हमें इसको पहचानना है ये लाइक है या अनलाइक है। तो सबसे पहले रूट 52 को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कीजिए,
इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने में आपको 2, 2 और 13 मिलेगा। 2, 2 कॉमन है, इसको बाहर लिख लेंगे, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, और ये क्या है, स्केयर रूट है। स्केयर रूट में 2, 2 को हमने बाहर लिख लिया और अंदर हमारे पास बच गया 13 रूट के अंदर, तो ये हो गया 2 रूट 13 और ये है 5 रूट 13। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में ही रूट 13 है, एन 2 है और ये हमारा 13 है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके लाइक सर्स हो जाएंगे। यहाँ हम अगर रूट 68 को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 2 रूट 17 और यहाँ में दूसरा नंबर जो है वो गिवन है 5 रूट 3। इन दोनों में हम देख सकते हैं एन का वैल्यू तो सेम है, एन इज 2, बट ए इज नॉट सेम, प्रेडिकेंट वैल्यू इज नॉट सेम, दैट्स व्हाई दिस गिवन नंबर्स आर अनलाइक सर्स। और इसी तरीके से और बहुत सारे एग्जांपल इनके आप देख सकते हैं लाइक सर्स के और अनलाइक सर्स के, और इनको आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर किसी सर्ट को सिंप्लीफाई कैसे करें, जैसे हमें ऊपर के क्वेश्चन में भी सिंप्लीफाई करना पड़ा, तो कैसे करें एक सर्ट को सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने का एक तरीका तो ये होता है कि आप देखिए कुछ परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं आपके पास, इनमें से आप उस नंबर को 2 फैक्टर में ब्रेक कर लीजिए। एक तो आप उस नंबर को हाई, जितना हाईएस्ट आप परफेक्ट स्क्वेयर से मल्टीप्लाई देकर नंबर बना सकते हो वो बनाइए, और उसमें से आप परफेक्ट स्क्वेयर वाले नंबर को, जैसे यहाँ पे रूट 27 है, रूट 27 यहाँ पे इस 9 का मल्टीपल हो सकता है, परफेक्ट स्क्वेयर 9 का मल्टीपल हो सकता है 9 × 3, तो हमने इसको 9 का किसका परफेक्ट स्क्वेयर है 3 का, तो 3 बाहर ले लिया और अंदर क्या रह गया, रूट 3 रह गया। इस तरीके से रूट 50 है, रूट 50 किसका मल्टीपल हो सकता है परफेक्ट स्क्वेयर में, 25 का मल्टीपल हो सकता है, 25 × 2 कर दिया हमने, और 25 किसका है स्क्वेयर रूट 5 का, तो 5 × √2, √2 अंदर रह गया। इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे रूट 112 है। अब बच्चों को कई बार क्या दिक्कत आती है इस मेथड से, ये दिक्कत आती है कि वो पहचान नहीं पाते कि कौन से हाईएस्ट परफेक्ट स्क्वेयर का वो मल्टीपल होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा वे ये है कि आप उसके फैक्टराइजेशन करके चेक कर लीजिए। जैसे 112 का आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको इस तरीके से 2 × 2 × 2 × 7 मिल जाएगा। तो इसका मतलब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया, स्क्वेयर रूट दिया है। स्क्वेयर रूट में कैसे करेंगे, दो दो के पेयर बना लें, क्यूब रूट होता तो 3-3 के पेयर बना लेते हैं, स्क्वेयर रूट में 2-2 के पेयर बना लिए 2 × 2 और एक सिंगल पेयर आपका 7 बच गया, तो 2 × 2 बाहर निकल जाएंगे, 4 हो जाएगी, 2 × 2 = 4 और अंदर क्या रह जाएगा √7। इस तरीके से आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पेयरिंग आपकी डिपेंड करेगी प्राइम फैक्टराइजेशन में किस पे। अगर आपका स्क्वेयर रूट गिवन है तो 2-2 के पेयर बना लिए, क्यूब रूट है तो 3-3 के पेयर बनाइए, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4-4 के पेयर बना करके आपको नंबर आउटसाइड लेना है, रूट से बाहर लेना है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी का जो टॉपिक है सर से रिलेटेड वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।